समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस लिख देंगे और उसके अंत में यूज़ करेंगे इन कोर्स ऑफ टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय आने पर या फिर समय के साथ साथ। तो चलते एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला है, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, इतना सेंटेंस सबसे पहले ही बोलना है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, इतना बोल के उसके अंत में बोलना है इन कोर्स ऑफ टाइम, और आप आसानी से ऐसे वाक्यों को बोल पाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन कोर्स ऑफ टाइम। एक और एग्जाम्पल, जैसे चिंता मत करो, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन इन कोर्स ऑफ टाइम। इस प्रकार से फ्रेंड्स बोलना है आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे समय आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे। तो तुम सब कुछ जान जाओगे, इतना पहले बोलना है। यू विल नो एवरीथिंग इन कोर्स ऑफ टाइम। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के न्यू स्ट्रक्चर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।